हेलो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रैंड मल्टीपेरिटी ओके तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स फर्स्टली हम डेफिनेशन देखेंगे ग्रैंड मल्टीपेरिटी का इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रेग्नेंट वुमेन हु हैज़ गिवन बर्थ टू फोर और मोर वायबल बेबीज इन दास्ट मीन्स की ऐसी प्रेगनेंट वुमेन जो कि पास्ट में फोर या फोर से ज़्यादा बेबीज डिलीवर दे, कर चुकी हैं उन्हें हम ग्रैंड मल्टीपेरिटी कहते हैं ओके नाउ इंसिडेंस एट परसेंट केस इन इंडिया इंडिया में आठ परसेंट देखा गया है कॉजेज में अगर देख लें तो थर्टी परसेंट मैटरनल मोटिलिटी इन इन नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशंस नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में मैटर्नल मोटिलिटी थर्टी परसेंट देखा गया है ग्रैंड मल्टीपेरिटी की वजह से नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ग्रैंड मल्टीपेरिटी तो इसमें हम सबसे पहले हम एंटीपार्टम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे फिर इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे फिर पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे फर्स्ट इन एंटीपार्टम कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लीकेशंस मिस कैरेज क्रोमोजोमल एनोमलीस एस ट्राईजोमी नेक्स्ट ऑब्सटेक्टिक प्रॉब्लम्स विच इंक्लूड माल प्रजेंटेशन माल पॉजिशन प्लेसेंटा प्रीविया एब्रपटि प्लेसेंटा प्री टर्म लेबर ट्वीन एंड हाई ऑर्डर प्रेगनेंसीज नेक्स्ट इज मेडिकल डिसऑर्डर्स विच इंक्लूड फोलेट डेफिशिय हाइपर टेंशन प्री इकलैम्सिया सी वी एस डिफेक्ट नल डिजीज पाइल्स इटीसी नेक्स्ट इंट्रापाटम कॉम्प्लिकेशंस में देख लेते हैं सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्सन्स ड्यू टू मैक्रोसोमिक फिटस और कॉन्ट्रेक्टेड पेल्विस। नेक्स्ट इज माल प्रजेंटेशन एंड माल पोजिशंस। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड लेबर नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर नेक्स्ट इज डपचर्ड यूट्रस नेक्स्ट इज कॉर्ड प्रोलैप्स एंड सॉक नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोस्ट पार्टम कॉम्प्लिकेशंस विच इंक्लूड पोस्ट पार्टम हेमरेज रिटेन प्लेजेंटा यूटेर इनवर्जन फेल्यू ईटीसी ये सारा कुछ हम देख लिए कॉम्प्लिकेशंस में नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सेलेंस 2007 थाउजेंड सेवन ग्रैंड मल्टीपेरस आर हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड एज अ रिस्क फैक्टर फॉर पी पी एच मीनस पोस्ट पार्टम हेमरेज ओके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सेलेंस टू थाउजेंड सेवन के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो मल्ट ग्रैंड मल्टीपेयरस होती है वो बहुत ज़्यादा उनको रिस्क होता है पोस्ट पार्टम हेमरेज होने का नेक्स्ट इज डिलीवर इन हॉस्पिटल वेयर इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज़ एवेलेबल इसलिए उनको डिलीवर कहाँ करेंगे जहाँ पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट एवेलेबल हो ओके नेक्स्ट इज है एनेमिया शुड भी करेक्टेड अगर उनको एनीमिया है तो उसको करेक्ट करेंगे नेक्स्ट इज एनी मेडिकल प्रॉब्लम शुड भी कंट्रोल कोई भी अगर मेडिकल प्रॉब्लम में पहले से तो उसको पहले कंट्रोल करेंगे नेक्स्ट इज प्रॉपर असेसमेंट बाय पेल्विक असेसमेंट एंड अल्ट्रासाउंड एट थर्टी सेवन वीक्स प्रॉपर असेसमेंट करेंगे नेक्स्ट इज इलेक्टिव सिजेरियन फॉर माल प्रजेंटेशन और सिफेलो पेल्विक तो इसमें सिजेरियन इस अगर सीजेरियन का केस वैसा लगेगा तो सिजेरियन भी करेंगे नेक्स्ट इज लेबर मैनेजमेंट लेबर मैनेजमेंट कैसे करेंगे इफ़ नो माल प्रजेंटेशन और माल पोजिशन देन अडिक्युएट एंड अडिक्युएट पेलवीज देन लेबर कैन बी ट्रेड अंडर वाज अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कोई माल प्रेजेंटेशन नहीं, नहीं है कोई माल पोजिशन नहीं है पेल्विस भी एडिक्यट है तब हम नॉर्मल लेबर को करा सकते हैं लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन में ओके नेक्स्ट यूज पार्टोग्राम टू मॉनिटर डिलीवरी हमेशा पार्टोग्राम को हम लोग यूज करेंगे मेंटेन रखेंगे पार्टोग्राम को नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट वेजाइनल डिलीवरी एंड फोर्सेप्स डिलीवरी आर टू बी अवॉइडेड। इस केस में हम लोग वेजाइनल डिलीवरी अगर डिफ़िकल्ट हो रहा है या फिर फोर्सेप डिलीवरी ये सब को हम लोग अवॉइड करेंगे नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन शुड बी यूज विथ कौसन ड्यूरिंग लेबर अगर ऑक्सीटोसिन को यूज कर रहे हैं तो बहुत ही कौशन के साथ करेंगे नेक्स्ट इज ब्लड शुड बी एवेलेबल टू अवॉइड पी पी एच अगर पोस्टमार्टम हैमरेज हो जाता है तो हम ब्लड हमेशा एवेलेबल रखेंगे ताकि हम उसको ब्लड प्रोवाइड करा सकें इंस्टेंट नेक्स्ट इज एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज विथ ऑक्सीटोसिन इज रिकमेंडेड थर्ड स्टेज का जो होता है जिसमें पेशेंटा का डिलीवरी होता है उसको हम लोग अच्छे से मैनेज करेंगे ऑक्सीटोसिन वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओके नेक्स्ट इज आफ्टर डिलीवरी ऑक्सीटोसिन ड्रीप कैन बी स्टार्टेड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट पीपीएच। पी डिलीवरी होने के बाद ऑक्सीटोसिन ड्रिप को हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि पोस्टमार्टम हेमरेज को ट्रीट किया जा सके या फिर पोस्टमार्टम हेमरेज से बचाया जा सके नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट पार्टम मैनेजमेंट पोस्ट पार्टम में क्या हम मैनेज करेंगे इनकरेज़ फॉर लैक्टेशन मदर को इनकरेज़ करेंगे लैक्टेशन के लिए नेक्स्ट एडवाइस फॉर फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग के लिए एडवाइस करेंगे नेक्स्ट इज परमानेंट मेथड ऑफ़ कंट्रासेप्शन सच एज पोस्ट पार्टमिलाइजेशन इज इज रिकमेंडेड उन लोगों को पेरेंट्स को हम एडवाइस करेंगे परमानेंट मेथड ऑफ़ कंट्रासेप्शन के लिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे थैंक यू